हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं मुमताज आलम, क्लास 12 का फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट हैं जॉन किट्स। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं जॉन किट्स। तो जॉन किट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उसमें पोएट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हर एक पोएम का आपको जो पोएट हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट पोएम को, ये जो पोएम फोर्थ है यानी पोएम नंबर फोर, इसमें जो पोएट हैं जिनका नाम है जॉन किट्स। तो जॉन किट्स जो हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। और ये जो पोएम है सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट एलोंग विद लॉर्ड बैरोन एंड पर्सी बेसिली, डिस्पाइट हिज वर्क हैविंग बीन इन पब्लिकेशन फॉर ओनली 4 years बिफोर हिज डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। अब देखिए, ये जो पोएट हैं इनकी डेथ जो है एज ऑफ 25 यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और डेथ से 4 इयर्स पहले जो है इस पोएम को लिखे थे। और ये जो बोर्न डेट है वो 31 अक्टूबर 1795 लंदन में पैदा हुए थे यूनाइटेड किंगडम में, और उनका जो डेट डेथ है वो 23 फरवरी 1821 रोम इटली में। तो उनका जो पोएम है द पोएम ऑफ जॉन किट्स और टू नाइटिंगल एडी मियन अमोर, यानी ये जो आपका थिंग ऑफ ब्यूटी है इसी पोएम से लिया गया है एंडी मियन से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन किट। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है पोएट के बारे में, यानी पोएट जॉन किट्स जो हैं वो किस प्रकार के पोएट थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है रियलिस्टिक, रिलीजियस, मेडिएवल, रोमांटिक। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जॉन किट्स जो हैं वो किस तरह के पोएट हैं, तो ये हैं रोमांटिक पोएट, इंग्लिश रोमांटिक पोएट। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जॉन किट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोएम है, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पोएट कौन है ये क्वेश्चन है। तो जॉन डन, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन किट्स। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी इस ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो पोएट हैं वो हैं जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन, यानी ये जो पोएम है ए थिंग ए ब्यूटी ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन है फ्रॉम किट्स वर्क एंडी मियन अ पोएटिक रोमांस और टू नाइटिंगल और टू मेलंकली और एन एंडोलेंस। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको फर्स्ट में बताया गया कि ये जो पोएम लिया गया है थिंग ए ब्यूटी वो एंडी मियन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एंडो एंडी मियन, ये एंडी मियन कौन है ये आपसे पूछा गया है। ए वर्कर, एन ऑफिस बॉय, ए यंग चाइल्ड, ए यंग शेफर्ड। तो जो एंडीमिन है वह है ए यंग शेफर्ड, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव, पोएट और एंडीमियन कहाँ रहते थे ये क्वेश्चन है। तो इन ए हट, ऑन ए हिल, इन अ ट्री हाउस, ऑन माउंट लेटमस। तो ये जो रहते थे पोएट एंड एंडीमियन ये रहते थे ऑन माउंट लेटमस, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिड द एनचेंटेड यूथ रिसोल्व टू सिक, ऑप्शन है गॉड, नेचर, मेंटर, सिंथिया, द मून गॉडनेस, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, यानी ये जो पोएम है
ए थिंग ए ब्यूटी, इसमें क्या क्या चीज़ हैं जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जिसके बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है, तो इसमें है सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, ऑल दिस। तो जो आप स्टेंजा को पढ़ेंगे तो इसमें सन के बारे में भी आया है, मून के बारे में भी है, यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, यानी जितने भी नेचुरल चीज़ है उस सबको ए थिंग ए ब्यूटी के श्रेणी में रखा गया है, यानी ऑप्शन जो डी होगा ऑल दिस ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स, यानी कौन सा चीज़ है जो इंसान के लिए सफरिंग के कारण है, ह्यूमन बींग्स सफरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स हैं, तो लैक ऑफ वर्चूज एंड इन ह्यूमन एक्ट्स, वेदरिंग फ्लावर्स, ब्लूइंग फ्लावर्स, फ्लावरिंग स्ट्रीम्स। तो ये जो चीज़ हैं ये फ्लावरिंग स्ट्रीम्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स, वेदरिंग फ्लावर्स, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, लेकिन ये सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स है, काउज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स, ये कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो ए होगा ये करेक्ट होगा, इन लैक ऑफ वर्चूज एंड इन ह्यूमन एक्ट्स। इसलिए बोला गया है कि इंसान जो है नेचुरल चीज़ पेड़ पौधों को काट के बर्बाद कर दे रहा है अपने फ़ायदे के लिए, प्लांट लगाने के लिए, उससे काफ़ी नुकसान है, यानी इन ह्यूमन एक्ट जो है वही है काउज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 9, व्हाट डज एंडेमियन डू टू सिक गॉडनेस, डांस, सिंग सॉन्ग, रीड स्क्रिप्चर्स, वांडर्स थ्रू फॉरेस्ट, यानी एंडेमियन जो है वह गॉडेज को खोजने के लिए क्या करते हैं, तो वांडर्स थ्रू फॉरेस्ट, यानी जंगल में भटकते रहते हैं, ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यानी एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी के मीनिंग होता है एक सुंदर चीज़, ए ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो कैसे हम लोगों के लिए जॉय फॉर एवर, यानी हमेशा खुशी का मीडियम है, ये बताना है, तो बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, बिकॉज इट इज़ नेचर, बिकॉज इट इज़ जॉयफुल, बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लिव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा। अगर देखा जाए तो सारा सुटेबल नहीं है, इसमें केवल ब्यूटी की बात हुई है, इसमें केवल नेचर की, इसमें केवल जॉयफुल की है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो है ब्यूटी भी है, नेचर भी है, जॉय भी है, यानी सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है, तो बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लिव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो कभी एंड नहीं होता है, जो नेचुरल चीज़ है उसकी ब्यूटी कभी कम नहीं होती है, यानी यह जो है से हमारे ऊपर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है, इस वजह से ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी पोएम का मैसेज क्या है, तो ऑप्शन है कि ब्यूटी नेवर फैड्स, ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ऑल दिस। तो अब क्या है कि इस पोएम में थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन जो ए है वो भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, यानी ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ऑल दिस जो है ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, यानी एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वह हमारे लिए क्या करता है, तो गिव्स होप, गिव्स हैप्पीनेस, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, ऑल दिस। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो नई आशाएं, नई उम्मीद देता है, गिव्स हैप्पीनेस, खुशी भी देता है, और रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, यानी अगर हम कोई कष्ट में, गम में, दुख में होते हैं तो ब्यूटीफुल थिंग्स को देखने के बाद वो गम भी रिमूव हो जाता है, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, मूविंग स्ट्रीम्स, द सनलाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस, यानी एक सुंदर चीज़ जो है वह कभी भी उसका अंत नहीं होता है, कभी भी डिवैलिड नहीं होता है ये, और ये हमें हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय
फॉर एवर मीन, यानी ए थिंग ए ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जैसे कि आप स्टंजा को पढ़ेंगे तो आपका स्टंजा का फर्स्ट लाइन ही है ए थिंग ए ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अबव अवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये आपका स्टंजा वन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही, फर्स्ट लाइन जो है आपका यही है कि थिंग अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो ये जॉय इज अ, जॉय इज इन मेमोरी, जॉय इज प्रीसेस, जॉय इज नॉट सोल्ड, इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी इट विल गिव, इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों को हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन, व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन, यानी किड्स के अकॉर्डिंग ब्यूटी क्या है, ए सफरिंग, ए काउज ऑफ सफरिंग, ए काउज ऑफ पेन, ए जॉय फॉर एवर। यानी ए काउज ऑफ सफरिंग ये तो ब्यूटी नहीं हो सकता, और काउज ऑफ सफरिंग और काउज ऑफ पेन यही ब्यूटी नहीं हो सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू पोएट या किड्स ओपिनियन जॉय फॉर एवर इज अ ब्यूटी, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी का कंसेप्ट क्या है। तो ब्यूटी इज प्लेजर, ब्यूटी इज काउज ऑफ ऑल हैप्पीनेस, ब्यूटी इज नथिंग अ क्वालिटी विच ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस। यानी आपका जो इसमें बताया गया है कि क्वालिटी के बारे में, तो ए क्वालिटी विच ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, यानी ब्यूटी वही है जो हमेशा ऑलवेज आपको एक क्वालिटी देता है, ए क्वालिटी विच ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, को डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यस दे आर शॉर्ट लिव्ड। तो क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन क्या है कि क्या आप, हम लोगों को ब्यूटी का एक्सपीरियंस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो यस दे आर शॉर्ट लाइव्ड, यस ब्यूटी इज अ टेम्पररी थिंग्स, इट नेवर लास्ट फॉर एवर, नो दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। यानी जो ब्यूटी है तो इंसान की ब्यूटी के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि फिजिकल ब्यूटी को ना देखकर हम लोग नेचर की बात करेंगे, और जो नेचुरल ब्यूटी है जैसे हिमालय की बात करें, सन की बात करें, मून की बात करें, डेफोडिल की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो ये जितने भी चीज़ हैं वो क्या हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं और वो हमेशा के लिए हैं। तो ये जो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, बल्कि दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि आप स्टंजा को पढ़ेंगे तो स्टंजा थर्ड आपका है कि सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग इज प्राउंटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड्स द लिव इन एंड क्लियर हिल्स डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन। यानी जितने भी चीज़ें हैं, सन मून ये सारा का सारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट अ थिंग अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसका कॉल है, किसका स्टेटमेंट है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यानी जॉन मिल्टन, क्रिस्टोफर यंग शेफर्ड, जॉन किट्स, यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम ए थिंग अ ब्यूटी, जिसके पोएट हैं जॉन किट्स, तो उन्हीं का स्टेटमेंट भी है कि ए थिंग अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज अ थिंग अ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कम्फर्ट, यानी एक थिंग अ ब्यूटी जो है कैसे हम लोगों को शेल्टर एंड कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। तो बाई गिविंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाई रिमूविंग पेन एंड सफरिंग लाइक अबव और ऑल दिस। यानी ऑप्शन जो डी है
ऑल दिस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बाय गिविंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग एंड थिंग ऑफ ब्यूटी, जो है वो हैप्पीनेस भी देता है, जॉय भी देता है, और हमारे पेन एंड सफरिंग को रिमूव भी करता है। और बावर, बावर का मीनिंग होता है ए प्लेजेंट प्लेस अंडर अ शेडी ट्रीज, ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाउ हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑफ रिवर्स, ऑफ माउंटेन्स, ऑफ नेचर, ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा, इसलिए कि जो लवलीनेस है वो कभी कम नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, यानी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ते ही जाता है। तो जितने भी नेचर हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वो सब क्या है, नेचुरल थिंग्स है, और इसकी ब्यूटी कभी डिक्रीज नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रेज विच मीन इट इज इमोर्टल, इसी फ्रेज है इट इज इमोर्टल, तो क्या होगा, इट विल नेवर फेड, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, इट विल नेवर सीज, इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी इट इज इमोर्टल, इसका मीनिंग होता है कि यह जो है अमर है, यह क्या है, अमर है, तो यह है इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बावर, यानी बावर जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो बावर का मीनिंग होता है ए प्लीजेंट प्लेस अंडर ए शेडी शेडी ट्री, यानी रिवर है कि स्ट्रीम है कि बिग ट्रीज है कि शेडी ट्री है, ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, टू हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, टू हैव साउंड स्लीप, टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, यानी क्यों जो है हम लोगों को जरूरत है स्वीट ड्रीम्स हेल्थ क्वाइट ब्रीथिंग। तो क्या है कि अगर ये होगा तो हम लोग जो है हेल्दी भी रहेंगे, हम लोग का मीठी नींद भी लेंगे और हमें शांति खुशी भी मिलेगी, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम, इस पोएम में माइटी डेड क्या है ये आपको बताना है। एक आया है इसमें कि माइटी डेड, यानी डेड फॉर वन एवरी मोरो, वी आर रेथिंग अ फ्लॉरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोनेंस ऑफ वुमन इन ह्यूमन अर्थ, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ ग्लूमी डेज, हेल्दी डेज एंड डार्कन वेज, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पर्ल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी जो माइटी मून है, माइटी डेड है, वो क्या है, टू ग्रेट रिस्पेक्ट और थी एंसेस्टर्स स्पेशली डेड एम्पायर्स, एंड ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स, यानी जो इमोर्टल ड्रिंक्स है, यानी ऐसा ड्रिंक्स जो पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं, तो क्या होगा, रिवर, फ्लावर्स, सनलाइट, ऑल दिस, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एंड ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज ब्रिंक मीन, ब्रिंक का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। तो ब्रिंक का मीनिंग होता है एज, यानी एज मीन्स किनारा, यानी ऑप्शन जो डी होगा एंड एज एट अ टॉप ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज इमोर्टल मीन, इमोर्टल का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो एक होता है मोर्टल, जैसे ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल या मैन इज मोर्टल, तो यहाँ ऑप्शन जो है यह है इसका जस्ट अपोजिट इमोर्टल, तो इसका मीनिंग क्या है, तो एवर फ्लोइंग, एवर ग्रीन, फॉर एवर ब्यूटीफुल, नेवर एंडिंग और एंडलेस, यानी इमोर्टल का मीनिंग ये होता है जिसका कोई अंत नहीं है, कभी समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है, ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, यानी ये जो पोएम है
पोएट जो है वो क्या करता है, कन्वे करता है कि ब्यूटी जो है वो लास्टिंग करेगा, यानी एवर लास्टिंग है ये, तो एबव आवर क्वाइट फॉरेस्ट सम शेप ऑफ ब्यूटी एंडलेस फाउंटेन ऑफ जो है स्प्राउंटिंग शेडी बुन, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एंडलेस फाउंटेन ऑफ जो है यानी एंडलेस का मीनिंग होता है अनंत, जिसका कोई अंत कोई लास्टिंग नहीं है, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या है, तो नो वन इज थर्स्टी, एवरी वन इज हैप्पी, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ब्यूटी नेवर मूव्स अवे, यानी ऑप्शन जो सी है कि इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये मीनिंग आपका है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन स्टोरीज मैग्निफिसेंस, ये वर्ड है, आप जो पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें ये वर्ड आए हुए हैं स्टोरीज मैग्निफिसेंस, तो इसका मीनिंग पूछा है इस क्वेश्चन में, तो टेल एंड ग्रैंडर, तो स्टोरी के मीनिंग कहानी, टेल का मीनिंग भी कहानी होता है, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्हाट रिमूव्स पाल फ्रॉम आवर लाइफ, यानी क्या चीज़ है जो हमारे लाइफ से दुख को आवरण को हटा देता है, तो डार्क स्पिरिट्स, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल अनहेल्दी थिंग्स एंड नेचर्स ब्यूटी, ऑप्शन जो डी होगा नेचर्स ब्यूटी वो करेक्ट होगा, यानी जो नेचर की ब्यूटी है वो हमारे पाल को, हमारे सैडनेस को, हमारे अनहैप्पी लाइफ को रिमूव कर देता है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है, तो ग्लूमी का मीनिंग होता है सैड या डिप्रेस या डल, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डल एंड डिप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्राइकन, यानी जब हम लोग किसी दुख में जकड़े रहते हैं तो ब्यूटी कैसे हम लोग हेल्प करता है, मदद करता है, तो बाय गिविंग अ रे ऑफ होप स्प्राउंटिंग अ शैडी बून, बाय गिविंग डेफोडिल्स, यानी बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, यानी जब हम लोग नेचुरल थिंग्स को देखते हैं या थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं तो हमारे जो ग्रीफ स्ट्राइकन होता है वो खत्म हो जाता है, यानी ए गिविंग अ रे ऑफ होप, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट डज पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी सम शेप ऑफ ब्यूटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो ब्यूटी हैज नो शेप, ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट, ब्यूटी ऑब्जेक्ट द दैट गिव्स हैप्पीनेस, यानी ऑप्शन जो सी इसमें होगा कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द वर्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये जो वर्ड है सम शेप ऑफ ब्यूटी इसमें कौन सा फिगर स्पीच यूज किया गया है ये आपको बताना है, तो एलिट्रेशन का मीनिंग होता है रिपीटेशन, ये नहीं है, सिमली अगर लाइक ए लगा रहा था तो सिमली हो जाता, ये भी नहीं है, तो ऑल तो हो नहीं सकता है, कोई एक ही इसमें होगा, यानी मेटाफर जो है ऑप्शन सी यह करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are our spirits referred as dark? यानी our spirits referred as dark क्या हैं ये आपको बताना है, तो ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ डार्क क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ स्पिरिट्स अराउंड, बिकॉज ऑफ शेडी ट्रीज, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी डार्क स्पिरिट, डार्क का मीनिंग अंधेरा होता है, और यहाँ पे मीनिंग है सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, इसका मीनिंग होता है उदास निराश, तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मोरो मीन, मोरो का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है, तो मॉर्निंग टाइम, प्रेजेंट टाइम, नून टाइम और नेक्स्ट डे, तो नून टाइम मतलब दोपहर का समय हो गया, प्रेजेंट टाइम अभी जो चल रहा है वो, मॉर्निंग टाइम सुबह का टाइम है, लेकिन व्हाट डज मोरो मीन ये बताना है, जैसे कि अभी पढ़ेंगे पोएम को, तो देयर फॉर वन एवरी मोरो आर वी रेडिंग, तो ये जो लाइन आया हुआ है तो इसमें मोरो का मीनिंग होता है नेक्स्ट डे, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई Do we need a flowery band? यानी क्यों हम लोगों को फ्लावरी बैंड की ज़रूरत है, तो टू लुक ब्यूटीफुल, टू स्माइल, टू बी जॉयफुल, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ आवर सैडनेस, यानी ऑप्शन जो डी होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इज इनह्यूमन इन लाइफ, यानी इनह्यूमन क्या है लाइफ में,
left woman inside a river, woman inside caves, woman on trees, self-centered tendency and inability to rise above shallow circles, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे डी देख रहे हैं आप, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।